हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये बिल्कुल देखिए रोमाना, कांटे का मुकाबला चल रहा है। कांटे का मुकाबला मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। फॉक्स न्यूज की वेबसाइट है जो बता रही है जो बाइडेन 227 वोट लेकर, इलेक्टोरल वोट लेकर सबसे आगे हैं। वोट शेयर कितना है? 49.7 यानी कि 49.7%। कुल वोट कितना मिला है? 5,83,38,051। जबकि डोनाल्ड ट्रंप 204 इलेक्टोरल वोट लेकर पीछे चल रहे हैं। वोट कितना मिला है? 5,71,45,789। 48.7 यानी कि 48.7% वोट मिला है। लेकिन ये तस्वीर बदल सकती है। कैसे बदलेगी तस्वीर, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो तस्वीर आपको बताते हैं, जॉर्जिया 16 सीटें हैं यहाँ पर जॉर्जिया में, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 53.5% वोट शेयर लेकर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं जो बाइडेन। ठीक है ना, ये अगर 16 सीटें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जुड़ जाएंगी। ये देखिए आप दूसरी, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर 50% वोट शेयर लेकर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर 48% वोट शेयर लेकर पीछे चल रहे हैं। ये फॉक्स न्यूज बता रहा है, ये फॉक्स न्यूज का प्रोजेक्शन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर पेंसिल्वेनिया 20 सीटें हैं, यहाँ पर 56% वोट शेयर लेकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए हैं नंबर वन पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मिशिगन, यहाँ पर 16 सीटें, 16 सीटों में डोनाल्ड ट्रंप 54.5% वोट लेकर आगे चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरा दिखाएं, विस्कॉन्सिन, यहाँ पर 51% वोट लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। मिनिसोटा ये देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। ठीक है ना, तो ये 10 सीटें माइनस हैं, लेकिन विस्कॉन्सिन, इसके अलावा मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये वो राज्य हैं, ये जो 6 राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं। इन 6 राज्यों में बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अगर इन 6 राज्यों की वोट जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बढ़ा लेंगे। कितनी बढ़त हो जाएगी देखिए, 15 और 16 31 और 20 सीधे हो गए 51 में अगर हम 16 और जोड़ दें तो ये हो जाएंगे आपके 67 सीटें अगर यहाँ पर जुड़ जाएंगी, जो बाइडेन पीछे रह जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेंगे। विकास भदौरिया ने फॉक्स न्यूज की प्रोजेक्शन दिखाई।